नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो स्पेशल इंस्टाग्राम के हर कंटेंट क्रिएटर के लिए देखना बेहद ज़रूरी है। उन कंटेंट क्रिएटर के लिए जो बहुत मेहनत करते हैं और उनको बहुत डर रहता था कि भैया हमने कंटेंट अपलोड किया और इजीली कोई भी उसको डाउनलोड कर लेता था, शाउट आउट पेज, फैन पेज, कोई भी, तो ये वीडियो ना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है और शाउट आउट पेज फैन पेज वालों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले मैं आपको बोल दूँ जो मैंने पहले ही बोला था अपनी वीडियो में कि इंस्टाग्राम की जो कम्युनिटी गाइडलाइन है वो चेंज होने वाली है, कॉपीराइट पॉलिसीज चेंज होने वाली हैं। तो भाई हाँ, अब उसका नया अपडेट आ गया है कॉपीराइट पॉलिसीज़ को लेकर, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी दूसरे का कंटेंट अपलोड करते हो, आपने शाउट आउट पेज बना रखा है या फैन पेज बना रखा है, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, आपको बहुत ज़्यादा इससे जानकारी मिलेगी और आपको पता रहेगा कि आगे चल के आपको अपने अकाउंट पर क्या नहीं करना है। और दोस्तों, चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट में बता देना मुझे, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आपको मैं शेयर करता रहूँगा, आपको जानकारी देता रहूँगा, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आते हैं टॉपिक पे। देखो, इंस्टाग्राम पे कल रात ही एक नया अपडेट आया है जिसमें उसने अपनी कॉपीराइट पॉलिसीज़ को लेके बहुत बड़ा बदलाव किया है। अभी तक क्या होता था कि इंस्टाग्राम पे मोनेटाइजेशन को लेके कोई फीचर था ही नहीं, तो इसीलिए कोई भी अपना शाउट आउट पेज बना लेता था, किसी के भी फोटो उठाए बिना परमिशन के और अपनी शाउट आउट पेज पे चिपका लिए, बहुत सारे फैन पेज भी खुल गए थे। अब इंस्टाग्राम जब इसको मोनेटाइज करने वाला है तो जाहिर सी बात है कि वो ऐसे जो पेजेस हैं जो दूसरे का कंटेंट अपलोड कर रहे हैं उनके लिए कोई तो रूल ऐसा लेके आएगा ना जिससे और जो क्रिएटर हैं जिनका कंटेंट वो यूज़ कर रहे हैं, जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हैं, जो खुद की मेहनत करते हैं, मान लो आपने 5-5 घंटे की मेहनत करके एक रील बनाई और किसी ने आपका फैन पेज बनाया, आपकी तो 5 घंटे की मेहनत है, और किसी व्यक्ति ने उस रील को उठाया और चिपका लिया अपने फैन पेज पे कि भैया हमारा फैन पेज है, तो भाई सीधी बात है ना, आपको फ़ायदा होना चाहिए। जो आपने कंटेंट बनाया है उसको थोड़ा ही जिसने आपका कंटेंट चोरी किया है या कॉपी किया है, क्योंकि बहुत सारे फैन पेज ऐसे भी हैं जो किसी का कंटेंट कॉपी करते हैं लेकिन उसको क्रेडिट ही नहीं देते। और बहुत सारे शाउट आउट पेज ऐसे हैं, किसी का भी फोटो उठा लिया एक्सप्लोर पेज में जाके और अपने पेज पर चिपका लिया। अब उससे क्या है कि उनके फॉलोअर वगैरह सब बढ़ गए क्योंकि बहुत सारे फोटोज़ होते हैं वहाँ पे, मल्टीपल होते हैं, लेकिन अब उनको जो मोनेटाइजेशन है वो नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी जो कॉपीराइट पॉलिसीज़ हैं वही अपडेट हो चुकी हैं। अब इस पॉलिसीज़ में क्या क्या रूल हैं जो आपके ऊपर लागू होंगे, और अगर आप नहीं मानते हो तो भैया सीधी सीधी बात है, जो उसकी पॉलिसीज़ हैं उसके बिहाफ पे ही तो इंस्टाग्राम चलता है, हर सोशल मीडिया अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलती है। तो अगर आप उसके रूल्स को नहीं मानते हो तो ऑब्वियसली बात है कि वो आपको स्ट्राइक भी दे सकता है, टर्मिनेट भी कर सकता है आपका अकाउंट, जो भी उसको लगेगा हो सकता है वो डिलीट भी कर दे। लेकिन जो नए रूल हैं वो आपको मानने बेहद ज़रूरी हैं और जानने भी ज़रूरी हैं। तो उसमें उसका कहना क्या है, सबसे पहले तो आप ये सुनो कि अगर आप इंस्टाग्राम पे कोई भी कंटेंट अपलोड कर रहे हो, अगर कोई भी कंटेंट आपने अपलोड किया है, तो आप पहले खुद से पूछो कि क्या वो कंटेंट आपका खुद का बनाया हुआ है, या आप किसी और का कंटेंट अगर अपलोड कर रहे हो तो क्या उस व्यक्ति ने आपको परमिशन दी है उस कंटेंट को अपलोड करने की। तो सबसे पहले तो आप खुद से ये सवाल पूछो कि भाई ये कंटेंट मेरा खुद का है जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, या मुझे किसी ने परमिशन दी है। अब इसमें जो रियल कंटेंट क्रिएटर है वो बड़े खुश है कि यार चलो अब सही है, मेरा कंटेंट कोई और कॉपी तो नहीं करेगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छे टेक चैनल हैं, उनकी खुद की वीडियो पे, शॉर्ट वीडियो पे 80,000 व्यू आए थे और उन्हीं की वीडियो किसी दूसरे व्यक्ति ने डाउनलोड करके डाल दी थी तो उसके 10 मिलियन व्यू आए थे। उन्होंने एक वीडियो बना के इस बारे में बताया भी था। तो यही दिक्कत ना उन लोगों के साथ होती है जो खुद का कंटेंट बनाते हैं, उनका कंटेंट किसी दूसरे ने चोरी किया, बिना परमिशन अपलोड कर दिया, वो सोचता है कि मेरे पे व्यू ज़्यादा आ गए। लेकिन अब ना, अब ये दिक्कत दूर होने वाली है उन रियल कंटेंट क्रिएटर की, क्योंकि देखो जब मोनेटाइज होगा तो ऑब्वियसली बात है कि आपके कंटेंट के बारे में, सेफ्टी के बारे में इंस्टाग्राम सोचेगा भी। तो ये जो नई पॉलिसीज़ है ना, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है अगर आप खुद का कंटेंट बनाते हैं। और इसमें आगे क्या कहता है इंस्टाग्राम, मैं आपको वो भी बता दूँ। मैंने पहले भी बोला था कि फैन पेज को बोनस का फीचर नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी के सारे क्रिएटर उन्हें तो बस व्यू लेने थे, झूठ बोले पड़े थे, झूठ बोल बोल के एक झूठी दिलासा दे दे के आप लोगों से कह रहे थे। कल तक तो, परसों तक तो वो इंजीनियर्स आए, वो भी कह रहे थे कि सबको मिलेगा, इनको मिलेगा, मिलेगा, पता नहीं क्या। और अब सोचने वाली बात है भाई, अगर फैन पेज को बोनस का फीचर मिलेगा दूसरे राउंड में, तो ऑब्वियसली बात है जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है फिर वो अपनी खुद की मेहनत क्यों करेंगे, वो फैन पेज खोल के बैठ जाएंगे ना। और आप इन टेक चैनल वालों से पूछो भाई कि हम तुम्हारा फैन पेज खोल के बैठ जाएं, सब मना कर देंगे, क्योंकि ये नहीं चाहेंगे कि इनके कंटेंट के बदले आप कमाओ। बस वीडियो बनानी है तो बना दी इन लोगों ने वीडियो, आप लोग सोचते नहीं हो यार इस बात को, सही जानकारी दे रहा हूँ तब भी सब्सक्राइब नहीं करते चैनल। अच्छा, इनका कहना ये भी है इसके अंदर कि अगर कोई व्यक्ति ब्लॉगिंग करता है, इस तरीके से मोबाइल पकड़ा और वो ब्लॉगिंग कर रहा है और उसके पीछे आप कहीं दिख जाते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीछे कहीं दिख गए हो तो भी आपके पास उस कंटेंट को अपलोड करने का राइट आ गया हो,
कि भाई मैं तो पीछे दिख रहा था इसमें थोड़ा सा, तो इसलिए वो कंटेंट भी आप इस पर अपलोड नहीं कर सकते। कर सकते हो लेकिन पॉलिसी जो है उसको उसके अगेंस्ट जाके कर रहे हो। अब सोच लो कि अगर उस पर कोई क्लेम करता है तो क्या होगा। अब किसी और व्यक्ति ने कोई पोस्ट को पहले ही अपलोड कर दिया, रील को अपलोड कर दिया, तो उसके बाद ये नहीं है कि आप उसको दोबारा से रीपोस्ट करो या री अपलोड करो, कि कोई कंटेंट पहले ही अपलोड हो गया, अब दोबारा वो अपलोड होगा अगर, तो वो कॉपीराइट पॉलिसीज के अगेंस्ट है। चाहे वो आपका खुद का ही कंटेंट क्यों ना हो, इस बात को ध्यान से सुन लेना कि आपके अगर दो अकाउंट हैं, आपने एक पे पोस्ट कर दी पहले ही, तो उसी को आप दूसरे पे भी पोस्ट नहीं कर सकते, वो भी कॉपीराइट पॉलिसीज के अगेंस्ट है। और अगर अब चूंकि आपके दोनों अकाउंट हैं, आप क्लेम देना चाहोगे किसी दूसरे व्यक्ति को तो दे सकते हो, आपका खुद का अकाउंट है तो आप खुद को क्लेम नहीं दोगे, तो इसीलिए वो कंटेंट पड़ा रह सकता है, लेकिन इस चीज़ के चांसेस नहीं है कि उसे मोनेटाइजेशन मिले दूसरे अकाउंट को। अब आपने कोई कंटेंट कहीं से ख़रीदा, सपोज़ करो जैसे हम आईट्यून से खरीद डाउनलोड कर लेते हैं, कोई गाना बाय करते हैं, तो ऐसा कोई सॉन्ग जो आपने कहीं और से ख़रीदा है, कोई वीडियो वगैरह, वो भी आप इस पर अपलोड नहीं कर सकते जो आपकी खरीदी हुई है। और आपने एक काम और करा कि अरे यार कॉपीराइट आएगा, तो इससे अच्छा तो ये है कि टीवी से रिकॉर्ड कर लो, तो आपने टीवी पे कोई म्यूज़िक वगैरह चलाया, वीडियो वगैरह या सॉन्ग वगैरह, और मोबाइल से उसको इस तरीके से रिकॉर्ड कर लिया और फिर आपने अपलोड कर दिया कि अब कॉपीराइट नहीं आएगा, तो भैया उस पर भी कॉपीराइट आ सकता है अगर आपने अपने मोबाइल से टीवी को या किसी स्क्रीन को रिकॉर्ड करके अपलोड किया तब भी। और ये भी नहीं चलेगा कि आपने किसी का म्यूज़िक, किसी की वीडियो, किसी की पोस्ट या रील आपने अपलोड कर दी और आपने उसे क्रेडिट दे दिया, क्योंकि बहुत सारा ऐसा भी होता है ना कि बहुत सारे लोग क्रेडिट दे देते हैं कि भैया इसका म्यूज़िक है मैं तो बस अपलोड कर रहा हूँ, तो वो परमिशन भी आपके लिए नहीं है और आप किसी को क्रेडिट देके भी कॉपीराइट पॉलिसी से नहीं बच सकते। आप इस चीज़ को भी समझ लेना, ये थोड़ा टफ हुआ ना वैसे रूल। और इन्होंने साफ साफ ये भी कहा है कि बहुत सारे लोग जैसे कंटेंट को अपलोड करते हैं तो उसमें शुरू में डिस्क्लेमर दे देते हैं कि सारा कंटेंट इंटरनेट से लिया हुआ है, मेरा कोई कंटेंट नहीं है, और वो तब भी अपलोड करते हैं, तो भैया डिस्क्लेमर देने से भी आप कॉपीराइट पॉलिसी से नहीं बच सकते। और अगर आप कंटेंट को, ये लास्ट वाला तो बहुत ज़रूरी है, गौर से सुन लेना, अगर आप किसी दूसरे का कंटेंट बिना परमिशन डाउनलोड करते हैं और उसके बाद आप उसे मॉडिफाई करते हैं, वॉइस ओवर कर दिया, थोड़ी बहुत एडिटिंग वगैरह, इफेक्ट वगैरह लगा दिया, और आप उसे दोबारा से अपलोड करते हैं, तब भी वो कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि उसने घुमा फिरा के नहीं, बिल्कुल सीधे सीधे बोल दिया भैया खुद का कंटेंट अपलोड करो। और यही बात मैं कितने समय से कह रहा हूँ अपनी वीडियोस में कि भाई खुद का कंटेंट बनाओ, जब कोई सोशल मीडिया मोनेटाइज हो जाती है तो वो केवल उन कंटेंट क्रिएटर की रेस्पेक्ट करती है जो मेहनत करते हैं। इस चीज़ को समझो, चाहे कोई भी सोशल मीडिया साइट से ही। अब बहुत सारे लोग बीच में वीडियो बना रहे थे कि अरे पहले तो बोनस का फीचर मिल गया था फैन पेज को, तो भाई वो पुराने टाइम में मिला था, उनके स्क्रीनशॉट मत दिखाओ, अब के दिखाओ तुम्हें दम है। तो इसीलिए अगर आप एक रियल कंटेंट क्रिएटर हैं, आपके फ़ोटो वीडियो कोई भी उठा के डाल देता था, अपलोड कर देता था, आपको बड़ी टेंशन होती होगी, मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को। और बहुत सारे फैन पेज तो ऐसे थे, शॉर्ट आउट पेज, किसी का भी फ़ोटो उठाया, कुछ भी लिखा और अपलोड कर दिया, ये सोच के कि अरे इसका फेस चल रहा है तो हमें भी व्यू मिलेंगे और हमारे भी फॉलोअर बढ़ेंगे। लेकिन अब भैया जो कॉपीराइट पॉलिसी आ गई है ना, नई अपडेटेड बिल्कुल, और मैंने पहले ही बोला था कि बहुत बड़ा अपडेट चल रहा है, अभी मेरी लास्ट की वीडियोज़ में आप मेरे मुँह से इस बात को सुन भी लेना, मैंने बोला था बहुत बड़ा अपडेट चल रहा है, अंदर ही अंदर कुछ नया होने वाला है। और ये जो पॉलिसीज़ है ना, कम्युनिटी पॉलिसीज़, कॉपीराइट पॉलिसीज़, ये उन कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली हैं जो खुद का कंटेंट बनाते हैं। और इस पॉलिसीज से कहीं ना कहीं ये लग भी रहा है कि अब मोनेटाइजेशन ज़्यादा दूर नहीं है, यानी कि जिस चीज़ का वेट हम लोग कर रहे हैं वो शायद हमें जल्दी मिलने वाला भी है इंस्टा पे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना, और चैनल पर नए हो ना वो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, सही वीडियो आपको आगे भी जानने को मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।